पी डी सी ए साइकिल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्टीन्यूस क्वालिटी मैनेजमेंट का एक और टेक्निक पी डी सी ए साइकिल पी डी सी ए मीन्स प्लान डू चेक एक्ट साइकिल पी से प्लान डू डी से डू सी से चेक एंड ए से एक्ट साइकिल तो ये जो पी डी सी ए साइकिल जो टेक्निक है इसको डेवलप किया था नाइनटीन फिफ्टीज़ में मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं डॉक्टर विलियम एडवर्ड डेमिंग ने तो इन्होंने जो है नाइनटीन फिफ्टीज़ में पी डी सी ए साइकिल जो है डेवलप किया था किस लिए ताकि कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट जा सके क्वालिटी में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में और ये क्या है रिपीटेटिव फोर आप जो है इस साइकिल को परफॉर्म करते रहते हो जिससे कि आपके बिजनेस प्रोसेस या फिर जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहे तो रिपीटेटिव फोर स्टेज मॉडल फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट इन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ए मॉडल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस तो ये क्या है ऑन गोइंग बेसिस पे यानी कि आपने सपोज करी कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उस प्रोजेक्ट के जो है आपने पहले प्लानिंग की उसमें जो भी आपने प्लानिंग की उसको जो है इम्प्लीमेंट किया फिर उसको चेक किया अकॉर्डिंग टू प्लान है कि नहीं अगर अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं है तो आप फिर वहाँ पर एक्ट करते हो और फिर से प्लानिंग करते हो क्लियर फिर से प्लानिंग करोगे फिर से जो है इंप्लीमेंट करोगे फिर से चेक करोगे फिर से उसमें इंप्रूवमेंट लाओगे फिर से प्लानिंग करोगे तो ये कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगातार ये चलता रहता है जिससे कि आप कंटिन्यूअस बेसिस पे क्वालिटी इंप्रूव करते रहते हैं तो ये क्या हो गया ये कॉन्टिन्यूअस लूप हो गया किस चीज़ का प्लानिंग डूइंग चेकिंग एंड एक्टिंग देन अगेन से प्लानिंग डूइंग चेकिंग एक्टिंग ये क्या है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लूप में चलता रहता है तो ऑल्सो नॉन एस पी डी एस ए साइकिल तो पी डी सी ए साइकिल को हम पी डी एस ए साइकिल कहते हैं यानी कि प्लान डू स्टडी एक्ट साइकिल या फिर डैमिंग साइकिल या फिर डैमिंग व्हील कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट स्पायरल या शिवॉट साइकिल या फिर कंट्रोल सर्कल या फिर साइकिल भी कहते हैं तो ये क्या है कॉन्टिन्यूस लूप है किस चीज़ का प्लान डू चेक एक्ट प्लान डू चेक एक्ट ये कंटिन्यूस बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन में लोग इस पी डी सी ए साइकिल को क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए जो है परफॉर्म करते रहते हैं तो सबसे पहला स्टेज होता है प्लान तो प्लान यानी कि प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन दी प्रोजेक्ट आप कोई प्रोजेक्ट रन कर रहे हो या फिर कोई भी चीज एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपको जो है कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप पहले क्या करोगे प्लान करोगे तो प्लान में क्या करते हैं डिटरमाइन दी गोल्स टारगेट एंड डिटरमाइन द मेथड टू रीच गोल यानी कि जो भी आपने गोल या फिर टारगेट डिटरमाइन किया है ब्रेन के जरिए अब उस गोल को उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या मेथड होगा उसको भी जो है आप डिटरमाइन करिए तो प्लानिंग करते हैं प्लानिंग में पूरी तैयारी करते हैं कि कब कहां कैसे क्या करना है किसके द्वारा किया जाना है क्लियर तो प्रिपरेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोजेक्ट उसके बाद जब आप प्लान कर लेते हो तो आप प्लान कर लिए तो उसको जो है इंप्लीमेंट भी तो करना होगा तो नेक्स्ट स्टेज आता है डू डू मीनस इंप्लीमेंटिंग द इंप्रूव प्रोजेक्ट यानी कि जो भी आपने प्लानिंग की है इंप्रूवमेंट के लिए और जो भी टेक्निक यूज किया है इंप्रूवमेंट के लिए उस चीज को आप इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करके आप जो है एजुकेशन प्रोवाइड करिए जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए और काम को कंडक्ट करवाई यानी कि इम्प्लीमेंट दी वर्क अब जब आपने प्लानिंग कर ली प्लानिंग करने के बाद इंप्रूवमेंट करने के लिए प्लानिंग कर ली उसके बाद फिर जो भी इंप्रूवमेंट के लिए प्लानिंग की उसको आपने इंप्लीमेंट कर दिया तो अगला स्टेज क्या आ जाएगा डैट इज़ चेक यानी कि जो आपने प्लान किया था क्या उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है यानी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और जो आपने प्लान किया था वो उसकी परफॉर्मेंस क्या है उसको आप क्या कंपेयर करते हो तो चेक द रिजल्ट ऑफ इंप्रूव्ड प्रोजेक्ट यानी कि जो भी आपने इंप्रूवमेंट कि करने की कोशिश की थी प्लानिंग करके क्या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ उसको चेक करिए कंपेयर द डिज़ायर्ड एंड एक्चुअल रिजल्ट जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था जिसमें आपने प्लानिंग की थी और जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको कंपेयर करिए यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि चेक करिए कि कहीं कोई डिफरेंसेस तो नहीं है यानी कि जो आप इंप्रूवमेंट चाहते थे वो इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है जो भी आपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करिए उसके बाद फिर आप जब चेक कर लेते हैं तो अब आता है काम एक्ट का एक्ट यानी कि अगर आपको लगता है कि जो हम चाहते थे वो चीज नहीं अचीव हो पा रही है तो दोबारा से क्या करोगे आप उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करोगे तो या फिर आप जिनकी वजह से भी वो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है जिस भी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है कि जो आप डिजायर रिजल्ट था उसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो उसको क्या करोगे उसके जो कॉजेज होते हैं आप उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो रिमूव द कॉज फॉर वेरिएशन बिटवीन टारगेट एंड एक्चुअल रिजल्ट यानी कि जो भी टारगेट आप चाहते थे जो भी आपका गोल था ऑब्जेक्टिव था और जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें जो भी वेरिएशन हो रहा है जिस भी वजह से उसको रिमूव करिए एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और आप जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए अगर जो है डिफ्रेंसेज नहीं आ रहे हैं यानी कि जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है तो वेट करिए फिर कुछ फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए बाद में फिर से आप जो है पी डी साइकिल परफॉर्म करिएगा लेकिन अगर कहीं डिफ्रेंसेज आ रहे हैं तो तुरंत आपको जो है दोबारा से करेक्टिव एक्शन लेना होगा और फिर से पी डी सी ए साइकिल को परफॉर्म करना होता है तो ये क्या है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी है पी डी सी ए साइकिल क्वालिटी मैनेजमेंट टूल है प्लान डू चेक एक्ट क्लियर यू ऑल द बेस्ट कीप पॉचिंग